गरीब बच्चियों की शादी अब हुई आसान। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ धी रानी प्रोग्राम के तहत तकरीबन 5,000 मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। वजीर आला पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत तकरीबन 5,000 मुस्तक लड़कियों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। तर्जमान के मुताबिक पहले मरहले में 1500 जोड़े की इज्तमाई शादियां की जाएंगी। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की जानिब से पहले मरहले के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तर्जमान महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब का बताना की आखिरी तारीख 15 नवम्बर तक 4,957 दरखास्तें वसूल हुई। दरखास्तें PITB के पोर्टल के जरिए वसूल की गयी। तर्जमान के मुताबिक सबसे ज्यादा 307 दरखास्तें मुजफ्फर गढ़ से वसूल हुई, जबकि लाहौर से 269 दरखास्तें वसूल हुई हैं। तर्जमान के मुताबिक सबसे कम 15 दरखास्तें गुजरात से वसूल हुई। तर्जमान का बताना है कि महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब 1,000 मिलियन रुपए की लागत से 3,000 इज्तमाही शादियों का इंतजाम करेगा। तफसीलात के मुताबिक दरखास्तिंदा 70% खवातीन की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है। तर्जमान के मुताबिक दूसरे मरहले में बाकी रजिस्टर्ड जोड़ों की शादी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। तर्जमान महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब का कहना है कि इज्तमाही शादियों का प्रोग्राम मुस्मत समाजी तब्दीली पैदा करने और पसमानदा कम्युनिटीज की मजमुई फलाह बबूद को बेहतर बनाने के लिए है। पंजाब की रहायशी 18 से 40 साल की उम्र की कम आमदनी वाले खानदानों की लड़कियां दरखास्तें देने की अहल हैं, जबकि यतीम बेसहारा लड़कियों और मजदूर अफराद की बेटियों को तरजीह दी जाएगी। तर्जमान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दूल्हा और दुल्हन के नादरा शनाती कार्ड की तस्दीक शुदा नकुल वालद वालदा या सरपरस्त के साथ दरकार है। तर्जमान के मुताबिक सोशल वेलफेयर और बैतुल माल डिपार्टमेंट हर जोड़े को 1,64,000 रुपए का पैकेज देगा, जबकि तकरीब में शामिल होने वाले 20 मेहमानों के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। तर्जमान के मुताबिक प्रोग्राम के लिए तोहफे की खरीदारी और 1,00,000 रुपए सलामी की अदायगी के लिए बैंक ऑफ पंजाब से मुआहदा हतमी मराइल में है। तर्जमान महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब के मुताबिक मुतलका तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर हतमी सिफारिश करेगा, जबकि मुतलका डिप्टी या डिविजनल कमिश्नर के जरिए सूबाई स्टैंडिंग कमेटी PSC और सूबाई पोर्टल को भेजेगा। तर्जमान के मुताबिक कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मकाम और मुतलका अमूर का इंतजाम करेंगे, जिनमें जोड़ों की नकलो हमल वगैरह शामिल।